प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने एक बड़े आपराधिक गैंग का पर्दाफाश किया है जो नकली नोट छापने का धंधा कर रहा था। इस गैंग का नेटवर्क मदरसों से जुड़ा हुआ था जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। पुलिस ने इस गैंग के चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनमें मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद साहिद और इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अतरसुया थाना क्षेत्र में स्थित मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम में नकली नोट छापने का कारखाना स्थापित किया था। मदरसे का एक कमरा पूरी तरह से नकली नोट छापने के उपकरणों और सामग्रियों से भरा हुआ था। पुलिस ने यहां से 100 रुपए के 1300 नकली नोट, 234 पेज बिना कटे हुए नकली नोट, एक लैपटॉप, एक कलर प्रिंटर और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर बताया जा रहा है जो 23 साल का है और उड़ीसा के भदेसर जिले का रहने वाला है। जाहिर खान और मोहम्मद अफजल मिलकर आधार कार्ड छापने वाले स्कैनर और प्रिंटर का इस्तेमाल करके नकली नोट छापते थे। उनके मुताबिक 100 रुपए के नकली नोट बनाना इसलिए चुना गया क्योंकि इन्हें बाजार में चलाना आसान था। डीसीपी सिटी दीपक भूकर के अनुसार गिरोह पिछले 2-3 महीनों से नकली नोट छापने का काम कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 178, 179, 180, 181 और 182(1) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अभियुक्तों की आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच कर रही है, हालांकि अभी तक कोई पूर्व आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। पुलिस ने इस मामले में और भी कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई है और आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाएगा। इस खुलासे के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं। पुलिस टीम जिसने इस बड़े गैंग का खुलासा किया उसे 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से नकली नोटों का यह नेटवर्क ध्वस्त हो गया है जो बाजार में नकली नोटों को चलाने के प्रयास में था। इस गिरोह के सदस्यों ने अपने नेटवर्क के माध्यम से नकली नोटों को बाजार में चलाने की योजना बनाई थी जिससे समाज में अस्थिरता और आर्थिक हानि हो सकती थी। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से इस गंभीर अपराध पर विराम लगाया जा सका है। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश पुलिस की एक बड़ी सफलता है। मदरसे का इस्तेमाल इस गैरकानूनी गतिविधि के लिए किया जा रहा था जो कि और भी अधिक चिंता का विषय है। इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने और इस नेटवर्क के सभी तारों को उजागर करने की दिशा में पुलिस और जांच एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।